हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस के बारे में। दोस्तों, ग्रैंड आई टेन न्योस 20 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और डीलरशिप के पास गाड़ियां डिस्पैच भी हो गई हैं। तो हम देखेंगे कि हुंडई ग्रैंड आई टेन और न्योस में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर हम आयरिश लैंग्वेज में देखें तो न्योस का मतलब है कुछ ज़्यादा। इट मीन्स के हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस में कुछ ज़्यादा फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और इसके साथ ही ये सीधा सीधा कम्पीट करेगी मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ, क्योंकि हुंडई ग्रैंड आई टेन अपने फीचर्स की वजह से ही मारुति सुजुकी स्विफ्ट से पीछे रह रही थी। तो अब हुंडई ने ये डिसीज़न लिया है कि हुंडई ग्रैंड आई टेन भी रहेगी और हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस जो है वो हुंडई ग्रैंड आई टेन और आई ट्वेंटी के बीच का एक सेगमेंट है, वो लॉन्च होगा। तो चलिए देखते हैं कि हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस में आपको कौन से ऐसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं या फिर क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको हुंडई ग्रैंड आई टेन में नहीं मिलते। तो दोस्तों, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में आपको बड़ी सी कास्केडिंग ग्रिल मिलेगी हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस में, जो कि पायर्ड है हुंडई वेन्यू से। इसके साइड में आपको एल शेप डीआरएल मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट दोनों की कंपेयर करें तो अब आपको न्योस में हेडलाइट्स मिलेंगी, वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, जबकि पुरानी वाली में हेलोजन हेडलैम्प मिलते थे। इसके साथ ही अगर हम टेल लाइट्स देखें तो टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी दोनों का चेंज कर दिया गया है। टेल लाइट्स आपको एलईडी टेल लाइट्स नहीं मिलेंगी, वो आपको नॉर्मल टेल लाइट्स ही मिलेंगी, लेकिन डिज़ाइन न्योस का चेंज कर दिया गया है। अगर आप दूसरी ग्रैंड आई टेन पुरानी वाली देखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको दोनों का डिज़ाइन लगभग सेम मिलेगा, लेकिन साइज़ वाइज थोड़ी सी बड़ी है ग्रैंड आई टेन न्योस, लेकिन आपको अलॉय व्हील्स में दोनों में डिफरेंस मिलेगा। मशीन कट अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे न्योस में और सिंपल अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते थे पुरानी वाली हुंडई ग्रैंड आई टेन में। वहीं आपको न्योस में एक लास्ट में एक वाटर ग्लास भी मिलेगा, जो कि हुंडई ग्रैंड आई टेन में नहीं मिलता था। इसके साथ थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। सी पिलर में आपको हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस के जी आई टेन के एक लोगो मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इंटीरियर। इंटीरियर भी आपको पूरा नया इंटीरियर मिलेगा हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस में, और वो हुंडई ग्रैंड आई टेन जो पुरानी वाली थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है देखने में। तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि वेन्यू में आपको मिल रहा है, लेकिन वेन्यू वाले फीचर्स हो सकता है आपको मिलें इसमें या ना मिलें, जैसे कि ब्लू लिंक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। वहीं आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था पुरानी वाली में। अगर आप डोर हैंडल्स देखें या फिर डोर ओपनर देखें तो डोर ओपनर का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है हुंडई न्योस में। स्टेयरिंग का डिज़ाइन भी पूरा चेंज कर दिया गया है। स्टेयरिंग जो है वो इंस्पायर्ड है नई वाली हुंडई कोना से, वहाँ से लिया गया है, और जो पुरानी वाली थी उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। अगर आप एसी वेंट्स देखें तो एसी वेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज मिलेंगे हुंडई ग्रैंड आई टेन न्योस में। ये आपको टर्बाइन लाइक डिज़ाइन मिलेगा, जैसे कि टर्बाइन का डिज़ाइन हो वैसा डिज़ाइन देखने को मिलता है और काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रे और चारकोल ब्लैक का कम्बिनेशन है। वहीं पुरानी वाली में सिर्फ ग्रे कलर ज़्यादा यूज़ किया गया था, जो कि थोड़ी डार्क सी फीलिंग मिलती थी अंदर। इसके अलावा ग्रैंड आई टेन न्योस में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में पहली गाड़ी में सिर्फ मिल रहा है, फर्स्ट गाड़ी है जिसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसीलिए तो इसका नाम न्योस रखा गया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें मिले। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन्स की। तो इंजन आपको वही 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन ये BS6 रेडी इंजन मिलेंगे आपको आई टेन न्योस में। तो दोस्तों, ये सारे डिफरेंसेस थे। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जहाँ हुंडई ग्रैंड आई टेन का स्टार्ट हो जाता था 4,98,000 से, तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,20,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो सकता है और 7,77,000 या फिर 70,000 तक जा सकता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।